तो कैसे हो भाई लोग। गोल्ड वन का अपोनेंट है और आइकॉनिक लेजेंड 17 टीम नेम है और हमारे लिए बनने वाला है ये खतरा, क्योंकि मैच होने वाला है मेलबर्न के ग्राउंड पे, सबसे बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे छक्के लगना मुश्किल है। तो देखते हैं यहाँ पे टॉस में क्या होता है। टॉस जीत के मैं करूँगा यहाँ पे, तो टॉस जीत के अपोनेंट ने ले ली है बॉलिंग, हम करेंगे पहली बैटिंग। देखते हैं किस तरह की बैटिंग होती है। यहाँ से कम 50-60 रन बनने चाहिए। तो यहाँ पे पवन नेगी करेंगे पहली बॉल, स्ट्राइक पे है खान और यहाँ पे मिस टाइमिंग होते हुए लेट के लिया, पहले ही बॉल पे जीवन दान मिलते हुए भाई लोग, तो इसका फायदा उठाना पड़ेगा हमें। तो सेकेंड बॉल आ रही है भाई लोग, सेकेंड बॉल यहाँ पे देखो थोड़ा सा अर्ली हो गया है, चौका नहीं जाएगा, यहाँ पे दो ही रन मिलेंगे हमें। तो आ रही है तीसरी बॉल, यहाँ पे देखो तीसरी बॉल आ रही है, इस तरह का शॉट खेलना चाहिए इस बॉल पे। यहाँ पे हम RC20 में खेलते थे 9 o'clock, ये वाला शॉट लगाओ #117, जाएगी बॉल सीधा स्टैंड में। तो फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग, फोर्थ बॉल देखो ये वाला शॉट खेलना है आपको, यहाँ पे फ्लिक करना है, 308 शॉट खेलो और ये भी बॉल को भेज देंगे हम स्टैंड में। तो आ रही है यहाँ पे पांचवी बॉल भाई लोग, फिर से हमने फ्लिक शॉट खेला है, इस बार वन बाउंस चौका चला जाएगा। और ये आ रही है आखिरी बॉल ओवर की, यहाँ पे भी थोड़ा सा अर्ली खेल लिया है मगर चौका मिल जाएगा। तो एक ओवर के बाद बहुत ही अच्छी शुरुआत, 24 रन हो गए। यहाँ पे सेकेंड ओवर शर्मा करने को आए हैं और ये देखो इसका बाउंस कम है, हमने समझा नहीं, और यहाँ पे विकेट जाते हुए LBW आउट हो जाएगी यहाँ पे बैट्समैन। तो बिना कोई खाता खोले जीरो पे जाएगी ये बैट्समैन। तो यहाँ पे विजय को लेके आया हूँ, सेकेंड बॉल इस बार गलत पोजिशन थी, शॉट सही था मगर गलत पोजीशन, इसके वजह से बोल्ड हो गया। और ये देखो इस तरह से खेलना है ये शॉट, एक स्टेप और पीछे जाना है, 483 #483 शॉट है ये। यहाँ पे देखो अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, परफेक्ट पे भी वन बाउंस चौका, ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइमिंग हो गया, देखो एकदम ज़रा सा यहाँ पे विकेट जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पांचवी बॉल पे क्या होता है। पांचवी बॉल पे देखो क्या ही जबरदस्त शॉट है ये, छक्का लग गया है इस ग्राउंड पे। तो यहाँ पे आ रही है तीसरी ओवर, तीसरे ओवर की पहली बॉल यहाँ पे देखो मिस हो जाएगी बाहर की तरफ थी, फिर से उसी तरह की बॉल है और यहाँ पे 226 खेला है, एक पावरफुल शॉट मगर परफेक्ट पे भी देखो बॉल कहाँ पे जा रही है इस ग्राउंड पे। फिर से हम उसी तरह का शॉट खेलेंगे और यहाँ पे गैप में जाएगी और चौका मिल जाएगा, यहाँ पे छक्का लगना चाहिए था मगर ये शॉट खेलो भाई लोग आप, 363 # खेलो तो आप यहाँ पे इस ग्राउंड पे छक्का मार सकते हैं। देखो आप यहाँ पे रुक के खेलना है, बॉल को आने देना है और कर लेना है टाइमिंग, बॉल को भेज देंगे आप स्टैंड में। तो फिर से हम उसी तरह का शॉट खेलेंगे, यहाँ पे अर्ली हो गया है, फील्डर से दूर गिरेगा, दो रन मिल जाएंगे यहाँ पे भी हमें। तो आखिरी बॉल आ रही है भाई लोग तीसरे ओवर की, तीसरे ओवर के आखिरी बॉल पे भी जड़ दिया है छक्का, तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग होते हुए यहाँ पे तो सभी स्पिनर बॉलर लगाए यहाँ पे अपोनेंट ने, और ये जल्दबाजी में बटन प्रेस नहीं हुआ। तो सेकेंड बॉल आ रही है यहाँ पे रिंकू सिंह है स्ट्राइक पे, यहाँ पे देखो टाइमिंग थोड़ा सा अर्ली, यहाँ पे भी दो रन मिल जाएंगे हमें। तो देखते हैं तीसरी बॉल किस तरह से करते हैं, यहाँ पे खेलेंगे हम ये वाला शॉट, गैप में भेज दिया है मगर ग्राउंड लंबा है, दो ही रन मिलेंगे यहाँ पे भी। तो आ रही है फोर्थ बॉल भाई लोग उसी तरह की, इस बार अच्छे से टाइम किया है, यहाँ पे वन बाउंस चौका मिल सकता है, वन बाउंस चौका मिल गया है। और ये आ रही है पांचवी बॉल, यहाँ पे परफेक्ट टाइम है, फिर भी कैच आउट हो जाएंगे क्योंकि ग्राउंड ही बड़ा है, तो क्या करेंगे भाई लोग। तो आ रही है आखिरी बॉल फोर्थ ओवर की, यहाँ पे देखो फिर से अर्ली हो गया है और ये भी विकेट, तो लगातार दो विकेट गिरते हुए यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी इनिंग, 51 रन पे आउट हो गए हैं यहाँ पे फोर्थ ओवर की पहली बॉल, और इस बार अच्छा टाइमिंग करके बॉल को भेज दिया है स्टैंड में। सेकेंड बॉल आ रही है भाई लोग, सेकेंड बॉल भी रुक के खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट, लगातार दूसरा छक्का,
तीसरी बॉल आ रही है भाई लोग, स्ट्रेट बॉल है, यहाँ पे खेलने में थोड़ा सा लेट हो गया है मगर दो रन मिल जाएंगे यहाँ पे भी हमें। तो फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग, फोर्थ बॉल पे देखते हैं क्या होता है। फोर्थ बॉल लेट हो गए फिर से खेलने में, फिर से दो रन निकाल लेंगे। तो रन अच्छे खासे बनते हुए यहाँ पे 80 रन हो गए। पांचवी बॉल पे वन बाउंस रोका जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग था। और आखिरी बॉल पे हम छक्का मारने की कोशिश करेंगे, रुक के मारा है और छक्का लग गया है। तो 90 रन हो गए भाई लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 रन इनफ है तो मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि बैट्समैन बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है, ये अपोनेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग करता है और शॉट सिलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया। ये देखो पहली बॉल बाउंस कम थी, मिस हो जाएगी, मगर इसके आगे की बॉल से देखो आप लोग, यहाँ पे खेला है रिवर्स स्वीप, फील्डर नहीं आया, फील्डिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए यहाँ पे इस बार की थी यॉर्कर लेन की बॉलिंग। और ये देखो स्वीप, देखो 2-2 स्वीप्स, क्या ही कनेक्शन था ये। तो आ रही है फोर्थ बॉल भाई लोग, फिर से यहाँ पे रिवर्स स्वीप खेले गए और ये भी छक्का जड़ दिया है। तो शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है इस भाई के, और फिर से यहाँ पे रिवर्स खेला है। तो क्या ही कनेक्शन है बॉल के साथ, बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ पे। आखिरी बॉल आ रही है भाई लोग, आखिरी बॉल पे देखते हैं क्या करते। आखिरी बॉल पे ये देखो क्या बढ़िया शॉट था, सीधे सीधे खेल रहा है, वन बाउंस चौका, एक ओवर के बाद 24 रन, बहुत ही अच्छा स्टार्ट। पहली बॉल यहाँ पे मिस हो जाएगी, तो देखते हैं सेकेंड बॉल पे क्या करते हैं। फिर से हमने यॉर्कर बॉल की है और ये देखो कितना लंबा छक्का मारा है यहाँ पे इस भाई ने, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग करते हुए। तीसरी बॉल भाई लोग, तीसरी बॉल थोड़ा सा जज करने में मुश्किल हो गई मगर दो रन मिल जाएंगे इनको। फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग, फोर्थ बॉल पे देखते हैं क्या करते। तो आ रही है पांचवी बॉल पे, देखते हैं यहाँ पे पांचवी बॉल पे भी खेल लिया है स्वीप शॉट, फील्डर नहीं है, यहाँ पे चौका मिल जाएगा। तो लास्ट बॉल सेकंड ओवर पावर प्ले खत्म, चौके के साथ कर दिया है। तो दो ओवर में 44 रन बना लिए, बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया है यहाँ पे अपोनेंट ने। तो जिम निशन ये हमारे एक बेहतरीन बॉलर है, इनके पास पांच वेरिएशन है, प्लैटिनम बॉलर ऑलराउंडर है। और यहाँ पे देखो सेकंड बॉल पे टाइमिंग जज नहीं कर पाए बॉल को, यहाँ पे दो रन मिल जाएंगे। तीसरी बॉल आ रही है भाई लोग, तीसरी बॉल यॉर्कर की थी मगर पिचिंग बाहर है, आउट नहीं है, आउट नहीं देंगे यहाँ पे अंपायर, क्योंकि पिचिंग ही बाहर हो गई थी। फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग, और क्या ही बेहतरीन शॉट है ये, पीछे की तरफ खूब शॉट जड़ दिया है। और पांचवी बॉल पे देखो, पांचवी बॉल मिस करवाएंगे हम, यहाँ पे बाउंस कम कर दिया था। लास्ट बॉल है इस बार, बराबर से स्टंप में यॉर्कर की है और यहाँ पे स्कूप खेलने की कोशिश, विकेट जाएगी, यहाँ पे पहली सफलता मिलते हुए हमें। तो भाई लोग अच्छा ओवर गया है यहाँ पे, 32 रन बनाए मिथुन ने यहाँ पे 12 बॉलों पे। तो फोर्थ ओवर यहाँ पे लेके आया हो डेविड विजे को, देखते पहली बॉल पे क्या करते हैं। यहाँ पे खेला है, फिर से रिवर्स स्वीप निकाला है इन्होंने और यहाँ पे जाएगा छक्का। तो सेकेंड बॉल ये देखो क्या ही बेहतरीन शॉट, पीछे की तरफ फ्लिक किया है, इसे भी भेज दिया है स्टैंड में। और ये लगातार तीसरा छक्का जड़ते हुए, तो बैट्समैन बहुत ही कमाल की टाइमिंग करते हुए फोर्थ बॉल पे यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया है, दो रन मिल जाएंगे। तो आसान सा टारगेट हो गया है ये 90 रन का, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। और इस बार फिर से रिवर्स हुए तो बहुत ही परेशानी में डाल दिया है, यहाँ पे दो रन मिल जाएंगे। देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या करते हैं अपोनेंट, आखिरी बॉल यहाँ पे बॉडी को लग जाएगी इन स्विंग की, और यहाँ पे 75 रन बना लिए, लास्ट ओवर 16 रन चाहिए। तो अनुभवी गेंदबाज लेके आए हम, यहाँ पे बोता को लाए गए, फर्स्ट बॉल स्पिन कराइए यहाँ पे, और यहाँ पे विकेट मिल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, अच्छी तरह से फील्डिंग सेट की थी, जारदान जाएंगे जीरो पे। सेकेंड बॉल देखो भाई लोग, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड किए है और ये बॉल शायद से बॉडी को लग जाएगी, और बॉडी को लग गई है। तो दो बॉल तो हमने मिस करवा दिए, देखते तीसरी बॉल यहाँ पे हम स्लो करेंगे,
और देखते हैं इसे पढ़ पाते हैं या नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लिक शॉट के लाए और कैच तो हम लपक ही ले गए। तो 3 बॉलों में 0 रन, तो अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे एन बोथा बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग, रदरफोर्ड जाएंगे 42 रन पे। ये बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई लोग, ये बॉल पे रन ना आए तो मैच हाथ में है। मगर यहाँ पे क्या ही बेहतरीन बैकफुट शॉट खेला है, सीधे सीधे छक्का जड़ दिया है यहाँ पे, क्या ही ज़बरदस्त बैटिंग। तो फिर से मैच में वापसी करते हुए 10 रन चाहिए 2 बॉलों में। देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, और ये बॉल यहाँ पे बटन नहीं प्रेस हुआ इनसे, तो मैच तो पूरी तरह से हाथ में है हमारे। और आ रही है आखिरी बॉल, लास्ट बॉल में चाहिए 10 रन, और बाउंस कम था, मिस हो जाएगी, मैच को कर दिया है सील भाई लोग, तो मैच जीत लिया है यहाँ पे हमने 9 रन से। और ये देखो गोल्ड वन का अपोनेंट भाई लोग, इतनी बढ़िया तरह से बैटिंग की थी, बहुत ही अच्छी तरह से क्लोज मैच करवा लिया था, मगर यहाँ पे 100 XP कटे गए। मैच लीव नहीं करना चाहिए था, 10 XP कटते अभी ये गोल्ड से सीधा नीचे आ जाएंगे सिल्वर पे। तो बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत ही बढ़िया अपोनेंट था, और यहाँ पे आपको देखने मिला कि मेलबर्न पे किस तरह से छक्के चौके लगाए जा सकते। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।